दोस्तों, गणेश चतुर्थी क्या है और यह समूचे भारत में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ क्यों मनाया जाता है, चलिए इसे समझने के लिए इससे जुड़ी कथा को जानते हैं। इस कथा का वर्णन शिव पुराण में रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड के अध्याय 13 से 19 में मिलता है। श्वेत कल्प में जब भगवान शंकर के अमोघ त्रिशूल से पार्वती नंदन दंड पाणी का मस्तक कट गया था, तब पुत्र वत्सला जगत जननी पार्वती जी अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न किया और उन्हें प्रलय मचाने की आज्ञा दे दी। उन परम तेजस्विनी शक्तियों ने सर्वत्र संहार करना प्रारंभ कर दिया। प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। देवगण हाहाकार करने लगे। तब समस्त जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने उत्तर दिशा से हाथी का सिर लाकर शिवा पुत्र की धड़ से जोड़ दिया गया। महेश्वर के तेज से पार्वती का प्रिय पुत्र जीवित हो गया। अपने पुत्र गजमुख को जीवित देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, चूंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा करके तेरी पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। उस समय दयामयी पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवताओं ने वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय अत्यंत प्रसन्न महादेव ने अपने वीर पुत्र गजानन को अनेक वर प्रदान करते हुए कहा, विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा, तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। तदनंतर परम प्रसन्न आशुतोष ने गणपति को पुनः वर प्रदान करते हुए कहा, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है, जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में प्रसन्नता के साथ प्रतिमास तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। वह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता होगा। दोस्तों, फिर व्रत की विधि बतलाते हुए गणेश चतुर्थी के दिन अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक गजमुख को प्रसन्न करने के लिए किए गए व्रत, उपवास एवं पूजन के महात्म्य का गान किया और कहा, जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को, यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है, अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को बहुला सहित गणेश की गंध पुष्प माला और दुर्वा आदि के द्वारा यत्न पूर्वक पूजा कर परिक्रमा करनी चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान करने की स्थिति ना हो तो बहुला गौ को प्रणाम कर उसका विसर्जन कर दें। इस प्रकार 5, 10 या 16 वर्षों तक इस व्रत का पालन करके उद्यापन करें। उस समय दूध देने वाली स्वस्थ गाय का दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले स्त्री पुरुषों को सुखद भोगों की उपलब्धि होती है, देवता उनका सम्मान करते हैं और अंत में गोलोक धाम की प्राप्ति करते हैं। वैसे तो गणेश चतुर्थी पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र का गणेश उत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में इन्हें मंगल मूर्ति के नाम से पूजा जाता है। महाराष्ट्र में पेशवाओं ने गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया। कहते हैं कि पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई ने की थी, परंतु सार्वजनिक गणेश पूजन का संचार 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। इस बार 10 सितंबर 2021 शुक्रवार को गणेश चतुर्थी पर्व है। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा। तो ऐसे में आप 10 सितंबर को 12 बजे के बाद कभी भी गणपति की स्थापना और पूजा आदि कर सकते हैं।